गया जिले के गुरारू प्रखंड के मीठापुर गांव में गुरुवार को दिवंगत प्रोफेसर राम नरेश यादव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव भी पहुंचे। कार्यक्रम में पीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाले और उसका प्लेटफॉर्म का कोई पता नहीं है, लेकिन हम दूध बेचते हैं और हमारा पता चिरैया ताड़ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस दौरान और क्या क्या तंज कसे। तो वह शुभ शुभ बात लिखेगा, जैसी दिवाली आवेगा माँ बहन बेटी अगर वो घर के साफ सफाई करेगा तो मिट्टी और गोबर से निपेगा तो जो पढ़ा हुआ बेटी रहेगा वो दरवाजे पर लिख देगा स्वागतम, स्वागत है, जरूर लिखेगा। और जब बड़े आदमी पढ़ के कहीं बड़े जगह में चले गए तक कुछ लिखेंगे गेट पर, बोर्ड टांग देंगे, बोर्ड खतरनाक कुत्ते से सावधान। तो दोनों चीज के सोच अलग अलग है। एक बेटी लिखा स्वागतम, स्वागत है, और एक ने लिखा कि खतरनाक कुत्ते से सावधान। तो ये जो वर्मा जी बोले थे तो हमको इस बात को याद था जो आज आपके बीच में हम दोहराया, इसलिए हमने कहा कि गुरु जी के तब अंतिम मूर्ति का अनावरण होगा और तब इसमें उपवास करेंगे जब आप लोग बेटा बेटी में अंतर नहीं समझिएगा और बेटा और बेटी के पढ़ाइएगा तभी जग में नाम होगा। आज गुरु जी पढ़ाएं अपना बेटा और बेटी के तो इस जग में नाम हो रहा है और होगा। एक बात और जान लीजिए, जीवन में कोई काम कीजिएगा तो उसको छोटा मत समझिएगा, कभी छोटा मत समझिएगा, छोटा समझिएगा तो कभी जीवन में आगे बढ़वे मत कीजिएगा। मेरा घर है चिरैया टाड़ और चिरैया टाड़ में हम रहते हैं विज्ञान कॉलेज के बगल में चिरैया टाड़ में, पर शुरू से हम तेज दरार आदमी थे, बहुत तेज आदमी थे और इतना तेज थे कि 10 साल की उम्र में हमको एक वो भगवान पर बहुत विश्वास था, वो भगवान का नाम था हनुमान जी। रोज हम नहा धोवा के हनुमान जी की पूजा करते थे और 4 बजे भोरे में हम उठ जाते थे और 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटा 8 गो हमको भैंस था उस सबको खाना देते थे, हमको शौक था। सब सुतले तब तक हम अपना काम करते रहते थे और मेरे साथ लगा रहता था मेरा नानी भी और मेरा दादी भी इसी काम में है, वो मामू का ब्रह्मचर्य वो भी। और फिर 8 आने किलो हम एपी कॉलोनी में दूध बेचते थे, दूध बेचते थे। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे तो वो प्लेटफॉर्म ना है जहाँ वो चाय बेचते थे, पर जहाँ वो एपी कॉलोनी है मेरा गाँव है वो बगले में है, वो साबित है, अभी सब वहाँ लोग हैं जीवित। तो 8 आने किलो हम दूध जरूर बेचते थे पर मेरा पॉकेट दोनों भरल रहता था, दोनों पॉकेट भर रहता था फुल पैंट के, और ढेर मेरे पीछे लटक में चलता था लड़कन की खर्चा कर लो, खर्चा भी करते थे पूरा। हमको अच्छा लगता था कि हम बोस है सबके और सब तो खाए पिए अपना मेरे पीछे पीछे बोस बोस कहता था, छोटा थे बच्चा थे पर अच्छा लगता था। आज भी 2 आदमी हम लोग दूध बेचते हैं, 2 आदमी, बाकी का हम नहीं जानते, बाकी जो होंगे वो आप लोग जानिएगा। 2 आदमी में नाम है, एक है लालू यादव, बहुत मनी गाय भैंस रख ले भी दूध बेचता है, और एक है सुरेंद्र यादव, ये भी दूध बेचता है। एक बात और बताते हैं, मेरे के यहाँ डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में भर्ती हो जाओ, डॉक्टर साहब लिखते हैं कि तुमको दूध के साथ ही दवाई खाना है और दूध रोटी खाना है, तो ले जाके देहातवा से डॉक्टर साहब का कोठवा पर भैंस गाय बांध रही है, कहाँ से थे तो वहाँ तो शहर में है लोहा के भैंस, देख लगे ना लोहा के भैंस बता दे कैसे हुआ है, पैकेट वाला जो दूधवा हुआ है ना पैकेट वाला दूध तो लोहा के भैंस दूध देता है, वो गया मिल्क डेयरी लगा हुआ है वहीं से नकली दूध बनता है। बहुत जगह जाते हैं डॉक्टर साहब हम चाय पी लिए मगर शहर में हम कहीं जाएंगे वो कोई चाय देगा हम गिरा रख चाय पीने छोड़ देंगे,
हम जानते हैं कि इन लोगों ने भैंसिया की पिलावेगा हमको, इसलिए ना पीते हैं हम जानते हो। तो महकता तो नकेल जाते ही महक शुरू हो जाएगा। तो किसी चीज के जीवन में छोटा मत समझे। अगर हम छोटा समझते हैं तो इतना 200 लीटर दूध हम काहे ना बेचते। हम जानते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरा बेटा कुतो मेरा पोता कभी दूध ना बेचेगा, कभी एक जानवर नहीं रखेगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर साहब बोले हमसे चिट्ठी लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री क्या आप चिट्ठी लिख दीजिए, मुख्यमंत्री फंड से हमको पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा मिलेगा। देख रहे इसको भाई ये तो बहुत ज़्यादा कैंसर के रूप ले लिया है। फिर पटना में आएगा कि कैंसर हो गया, आप पैरवी कर दीजिए हमको महावीर संस्थान में, महावीर कैंसर संस्थान, उसको पैरवी करते हैं। फिर कई प्राइवेट डॉक्टर जो हमसे अटैच है बेचारा, 5 लाख उसका पैसा होता है तो 2 लाख में फरिया देता है डॉक्टर। तो जब कभी उसके कि हम जाके चाय पीते हैं, चाहे वो लोहा के भैंस के रहे चाहे ओरिजिनल भैंस के रहे, उसके क्या जो जाकर पीते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बेचारा गरीब को समझता है कि गरीब आदमी है, और मंत्री जी यहाँ भेजे हैं तो गरीब आदमी को भेजे होंगे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम इसको मानते हैं कि भगवान का रूप होता है। हम जल्दी डॉक्टर से लड़ाई नहीं लेते हैं, हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले हैं तो 2 अफसर के गरिया ही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहाँ ही रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसों मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन के हम गाड़ी ना देते, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन मोतरा गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं हम भेज रहे हैं, होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अब चलो गाड़ी है तरगारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, 3 वो किताब भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए और इंसान को चलने के लिए। वह एक किताब है गीता, गीता के कोई राइटर नहीं है, भगवान कृष्ण जो है सारण बोले थे, कई जगह उस सारण बोले थे, वही वाणी गीता में है, उससे अलग एक शब्द नहीं है। दूसरा बाइबल, जब ईसा मसीह चढ़ गए थे सूली पर तो भी सारण बोले थे, वो भी अपनी बात को बोले थे, वही बात उस किताब में है। तीसरा कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, ये भी गॉड से आया है, नकल एक इंसान कुरान शरीफ का भी किया था, और जब वहां पर रखा लाइब्रेरी में तो उसमें अपने आप जल गया, वो अपने आप जल गया और कुरान शरीफ बगल में था, वो बच गया। तो दुनिया में अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिएगा तो गुरु जी के आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलेगा। हम लोग जो आज आए हैं वह गुरु जी के मुक्ति अनावरण में जरूर, पर हम लोग अनावरण की बात तो है, पर हम लोग उनसे आशीर्वाद भी ले आए थे। हम जब चढ़े तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सीढ़ी पर पैर रखना था तो जूता हम खोल के चढ़े थे। जब मूर्ति अनावरण हो गया तब मंगा के अपना भाई परिवार जो मेरे साथ रहता है उससे जूता मंगा के हम पहन लें, चूँकि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर के हम भुलाना नहीं चाहते हैं। यही धरोहर से पूरा बिहार में खास करके मगध में सबको संस्कृत से जुड़ेगा, शिक्षा और विद्वानियत से जुड़ेगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, और फिर हम डॉक्टर साहब को विश्वास देते हैं कि फिर आपके क्या आवेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, जय हिंद।